सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा करना है? ट्वेल्थ। ट्वेल्थ से लेके 24 ना, मैं वापस से डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करता हूँ डिस्कस, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा जीपी पढ़ा चाहता हूँ ताकि होमवर्क बन जाए, नेक्स्ट क्लास कुछ होमवर्क ही नहीं रहेगा। 12 से लेकर 24 में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। वैसे हम तो संडे, ठीक है, इसको कल ही खत्म कर लेंगे, कल ही फटाफट आधे घंटे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ अभी मैं जीपी पढ़ाना चाह रहा था। सर कल क्लास क्या हुआ? सर कल क्लास किधर है? जूम पे? नहीं सर कल क्लास ही नहीं है, ट्यूसडे है। अच्छा ऐसे कह रहे हो, नहीं तो 9:30 तक तो सबके लाइट आ जाती है, हाफ एन आवर लगेगा मुझे 11 से लेके 24 तक। इसको मैं वो कंप्यूटर पर डिस्कस करना चाह रहा था ताकि आप लोग को सीधा सॉल्यूशन में रख आप लोगों को मिल जाए, ठीक है? तो मैं कल कर लूंगा इसको टाइम लगा के। अरे मैं जीपी पढ़ाना चाह रहा था। देखो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे जीपी पढ़ाने में 15 मिनट लगेगा, फिर मैं वापस अभी डिस्कस कर दूंगा, आज कोई बात नहीं, आ जाओ पहले जीपी पढ़ते हैं। जीपी का देखो बेसिक अपन ने, मैं लिख रहा हूं वापस से डेफिनेशन, द टर्म्स A1, A2, AN आर सेड टू बी इन जीपी, आर सेड टू बी इन जीपी इफ, ध्यान दीजिएगा, A2 by A1 is equals to A3 by A2 is equals to A4 by A3 is equals to dot 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 AN by AN minus 1 is equals to R. This R is called common ratio. इस R को क्या बोलते हैं? Common ratio बोलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? हेलो यस बेटा, एग्जांपल देखिए, 2, 4, 8, 16, ये क्या है? ये जीपी है ना, कॉमन रेशियो क्या है इसका बताओ? 2। ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है ये। सर वो था, सर आप अपना वीडियो स्पॉटलाइट कर सकते हो, सर बार बार जा रहा है। या तो है बेटा, पता नहीं क्या चल रहा है आज। हाँ 3, 9, 27, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है बेटा? 3 है। 2, 10, 50, 250, यहाँ पे कितना है? 5। ये बात समझ में आती है? तो अब ये बताओ, जब मैंने आपको एपी पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि एपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? व्हाट इज एन एपी का कैरेक्टरिस्टिक? हाउ इज एन एपी रिकॉग्नाइज्ड? कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दैट इज सफिशिएंट। यस सर, सेम हियर। हम लोगों ने एपी में कितने टॉपिक्स पढ़े थे? 3 टॉपिक्स पढ़े थे ना, क्या क्या? एनथ टर्म निकालना, सम ऑफ एंड है बेटा, एनथ टर्म निकालना, और क्या पढ़ा था हमने बेटा? सम ऑफ एंड टर्म्स और अरिथमेटिक मीन। हाँ बस वही टॉपिक्स यहाँ भी रिपीट होंगे, ठीक है, लाइन से। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ए, nth टर्म निकालना, ठीक है, ध्यान देना nth टर्म निकालना। मैं कैसे निकाल रहा हूं, ये देखो, A2 by A1 into A3 by A2 into dot 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 into AN by AN minus 1, R की पावर कितना आएगा ये बताओ, बस मुझे कितना R आएगा? हाउ मेनी R सर, ये 1 कितने R से बताओ? N minus 1 बताओ कैसे? N minus 1 बताओ कैसे? वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से काउंट कर लिया तो हाँ, पहला दूसरा N minus 1 है ना। अब देखो ये सब कट रहा है ना, तो आपका AN कितना आ गया बेटा?
ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेट फर्स्ट टर्म बी ए, तो क्या हो गया ए एन बताओ कितना आ गया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये बात चमकती है सभी को? यस सर। सर सर वो आर की पावर एन माइनस वन कैसे आया? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा सर, सकता हो क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं समझाऊंगा मैं, टाइम दूंगा, आप खुद समझ सकते हो। सोचो एक बार, आप ध्यान से देखो काउंट, आप काउंट को ना आप अपने हाथ से काउंट करो, फिंगर रखो कॉपी पे लिखो इस चीज को और कॉपी करो, काउंट करो, पहला पहला ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये कौन सी काउंट करो ना ध्यान से। आप अपने आपके घर में सीढ़ी है, आप सीढ़ी काउंट करते हो, कैसे काउंट करते हो सीढ़ी बताओ? यहाँ पे पहली सीढ़ी है, यहाँ पर दूसरी सीढ़ी है, कितने सीढ़ियां हैं बताओ कीर्ति? जितना करो करो बताओ कितना है सीढ़ी बेटा? एन माइनस वन। समझ गए? हाँ सर। सर मेरा भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा पार्ट? पूरा? सर नहीं, वो एन निकालने का। वो तो मैंने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, वो तो मैंने लिख दिया, तुम खुद ही समझो ना। देखो ना, ए टू बाई ए वन एक बार आ आएगा, ए थ्री बाई ए टू दूसरी बार आ आएगा, ए थ्री बाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोलो, ए फोर बाई ए थ्री कितनी बार आ आएगा। तुम यहाँ देखो ना कितनी इक्वालिटीज है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये कितना है, काउंट नहीं कर सकते कितनी बार है बताओ, कैसे काउंट करोगे? देखो ना यहाँ वन लिखा है, यहाँ टू लिखा है, यहाँ थ्री लिखा है, यहाँ फोर लिखा है, यहाँ फाइव लिखा है, यहाँ सिक्स लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? बोलो, एन माइनस वन लिखा है ना? हेलो। यस सर। अरे सबको क्लियर है क्या कि n माइनस वन कैसे है? सर। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे घर में 10 सीढ़ियां हैं, ठीक है, और तुम तीसरी सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक गए, तुम कितनी सीढ़ी चले हो? 8। 8 सर। 8। वो जिसपे खड़े हैं उसको गिन के, जिसको पे खड़े हैं उसको गिन के, ये बात समझ में आती है? पक्का ना? तो अब ए एन क्या आ गया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इतना क्लियर है सभी को बेटा? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अभी आप लोग आ जाओ बी वाले पे, बी 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 बी, बी पार्ट क्या होगा बताओ? सम। सम का सर। सम होगा, सम। बी पार्ट क्या होगा बेटा? सम होगा। ठीक है, अब सम में मैं एक इंटरेस्टिंग तरीके सम करूंगा, ध्यान देना, तरीका है बहुत सिंपल। एस एन को लिखूंगा ए, ए आर, ए आर इस अच्छा हाँ 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 एक मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल ले दिया ना मैंने, आप ये बताओ तो। अच्छा तो क्या होगा, ए है, ए टू कितना होगा, ए आर, ए थ्री कितना होगा, आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए फोर कितना होगा, ए आर क्यू, ए आर क्यू। जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाए तब तक कॉपीज पे लिखते रहो अपने। ए फाइव कितना होगा, ए आर पावर फोर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमको जीपी का सम निकालना है, क्या होगा बोलो, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होगा, एनथ टर्म क्या होगा बोलो, ए आर की पावर एन। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, छोड़ो। ए वन ए टू, रुको रुको रुको, यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर।
अरे यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ना, नहीं है, है ना? अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ए वन कितना है, ए है, ए टू कितना है, ए आर है सर, ए थ्री कितना है, ए आर स्क्वायर, ए एन कितना है, ए आर पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन. किसी को क्या यहाँ पे कोई भी डाउट है, एनीबॉडी एनी डाउट हियर? नो सर, नो सर. अब इसको R से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या होगा बताओ. R से ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, R से मल्टीप्लाई, सुनो चुप, R से मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म आगे शिफ्ट कर दो, नहीं समझे, बस आपको लिखने के लिखा रहा हूँ. आर एस, ए को ए आर लिखा, ए को ए आर लिखा, ए आर को बस कटने रहेगी, ए आर लिखा, ए आर स्क्वायर को ए आर क्यूब लिखा, ये चमक रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था बताओ, कुछ लिखा रहेगा, उसको कुछ लिख दूंगा यहाँ पे और ये टर्म क्या बन जाएगा बताओ, ए आर एन. क्या ये बात समझ में आई, क्या किसी को डाउट है? नो सर. सर आपका स्नेक सिग्नल लो है इसलिए बोर्ड ब्लर आ रहा है. नहीं सर, ब्लर आ रहा है, नहीं सर दिख रहा है, नहीं सर दिख रहा है सर, कोई अगर डरा होगा ना, रुक जाओ दो मिनट, वीडियो स्टॉप हो जाती है बीच बीच में, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं. सर येलो दिख रहा है, अभी वाइट दिख, क्या ही बोलूं मैं. अभी तो वीडियो ही स्टॉप हो गया. वीडियो स्टॉप हो गया है, अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर. रुको एक मिनट, रुको मैं दूसरे सिस्टम से ज्वाइन कर, कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैंने दो मिनट टाइम दो. वो तो अभी ब्लर है क्या, अभी ठीक है बेटा, सही है सर, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर, अभी भी अभी ठीक है. हाँ सर, सर वीडियो ऑफ हो गया. हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है, बट वीडियो स्टॉप हो गया. सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा. हाँ हाँ, दो मिनट रुक जाओ, अभी आया, अब सब हो जाएगा, अभी सही है, सब कुछ सही है अभी. हाँ सर, अभी बहुत ज्यादा ही क्लियर है. बढ़िया, अभी सब कुछ क्लियर है, अच्छे है, सब कुछ दिख रहा है अभी. हाँ सर, चलो आ जाओ, ये स्टेप पे आओ, एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ऐसा लिखा और आर एस से इसी एस को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया, बस माइनस कर, इतना आपको ये स्टेप समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यस सर. वापस सुनो सब लोग, एस को सुनो, एस क्या था, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, इतने टर्म्स थे ना, मैंने उसको आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट कर दिया ताकि माइनस करने में आसानी हो. ये बात क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है? ऊपर के जो टर्म्स थे उन्हीं को आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे लिखा है, बस लिखने का तरीका चेंज किया है. इतना क्लियर है क्या सर? हाँ बोलो सर. आपने वो राइट हैंड साइड में A5 इक्वल टू क्या लिखा है? A5 इक्वल टू AR की पावर 4 बेटा. ओके सर. सबको ये स्टेप क्लियर है कि अच्छे से S और RS वाला? हाँ सर. दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा बताओ तो?
ये कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, सब कट जाएगा, चमक रहा है, क्या बचेगा बस a माइनस a की पावर आर एन है ना। आपका सम का, सम का फॉर्मूला क्या आ गया? इतना क्लियर है क्या? यस सर। हेलो एवरीबॉडी, इतना क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो इसको। सर आपका वीडियो पिन नहीं हो रहा। पिन नहीं हो रहा मतलब? क्योंकि वो ऑलरेडी स्पॉटलाइटेड है इसके लिए। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए फिर? सर कुछ मत कीजिए, ठीक है? आपका वीडियो आ रहा है बराबर? हाँ सर, ऑलरेडी स्पॉटलाइटेड है। नीचे लैपटॉप से पढ़ाने में ना दोनों ऑप्शन आता है, पिन भी करने का और स्पॉटलाइट करने का भी। मोबाइल से और आईपैड में ऑप्शन नहीं आता है, बस एक ही ऑप्शन आता है स्पॉटलाइट का। कोई दिक्कत हो रही है क्या उसकी वजह से कीर्ति? सर कभी कभी वीडियो चला जाता है इसलिए। नहीं, स्पॉटलाइट करने के बाद भी चला जाता है। एक ही बार गया था बस। अभी ठीक। कॉपी करो। हो गया कॉपी करके? सबको ये लास्ट में जो किया है ये अच्छे समझ में आया है क्या, सम निकालने का तरीका? यस सर। रब करे बेटा। हाँ सर। तो अभी थर्ड टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, बताओ? ज्योमेट्रिक मीन, मीन वही टॉपिक सेम को है ना, सेम वही सब कुछ रिपीट होगा। बिटवीन टू नंबर्स A and B, let n geometric means be inserted. That implies, क्या मतलब होगा इसका बताओ तो common sense से। A g1, g2, g3, g4, up till dot 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 gn b. R in GP, R in GP, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर लिख रहे हैं। कॉपी कर, हाँ कॉपी करो, समझ के कॉपी करो, समझ के सोचो एक बार, मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, सोचो एक बार।
बोल रख करे हाँ, सोचते हैं क्या मतलब होगा इसको बताओ तो जीवन कितना होगा बताओ तो ये सारे टर्म्स जो है किसमें है जीपी में हो गए ना yes, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिखे हुए हैं एन प्लस टू तो जो बी होगा बी इज एन प्लस टू ट्वेल्थ टर्म ऑफ जीपी यस और नो बेटा सही है नहीं है yes, हाँ तो बी क्या होगा बताओ ए इंटू कॉमन रेशियो की पावर एन प्लस टू माइनस वन दैट मीन्स बी कितना हो गया ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन ये बात चमकी yes, sir. अब बताओ मुझे जीवन कितना होगा बोलो ए इंटू आर हाँ अब आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा ना आपका आर कितना है b बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1 है ना आर तो आपका है कि नहीं हाँ सर अब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने एपी में क्या पढ़ा था बताओ यहाँ के बाद हमने उन्हें कुछ रिलेशन निकाला था ना टर्म्स में हाँ सर कि पहला और दूसरे टर्म आओ देखते हैं g1 into g2 कितना होगा बताओ g1 into g2 कितना होगा a into r होगा g2 कितना होगा a into r square होगा है ना g3 कितना होगा a r की पावर 3 होगा gn कितना होगा आर की एक आर की पावर एन होगा ये बात सबको चमक रही है क्या अपने पास यही सीरीज है ना पूरी कोई बोलता ही नहीं अरे यही सीरीज है ना अपनी सर वीडियो हाँ वो बैटरी 10% रह गई ना इसलिए हुआ अब बताओ तो जीवन इनटू जीएन कितना आ रहा है ए स्क्वायर इनटू आर एन प्लस वन है ना हाँ. अच्छा अब बताओ आर एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है कट गया ना कितना आ गया वापस से ए बी आ गया है ना वापस से जी टू इंटू जी एन माइनस वन करो ए आर स्क्वायर लिख लेते हैं जी टू कितना आएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर एन माइनस वन कितना आ गया ए स्क्वायर इंटू आर की पावर एन प्लस वन कितना आ गया वापस से ए बी ये बात चमकती है ये चीज क्लियर है क्या yes, sir. कॉपी करो इसको yes, sir. कॉपी करो इसको हो गया सर एक बार सब लोग कॉपी कर लो सब लोग कॉपी कर लिए क्या नहीं सर नहीं सर यस सर सर ये जो रिलेशन निकाला है वो डी टॉपिक है ना नहीं बेटा इसी सी में ही है ओके सर
आप टॉपिक का ना फील लो, कुछ भी याद मत करो, बस समझ पे छोड़ दो, कुछ याद नहीं करना होता है, बस समझ लो क्या हो रहा है, कॉमन सेंस सोचते रहो चीजों को। सर हो गया लिख के मेरा, रुक जाओ कोई और भी कॉपी, सब लोग कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस सर। कोई नो बोला? जी सर बोला सर। अच्छा तो एक बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज आ गई, ठीक है और देखा जाए, लेट ए वन ए टू ए एन बी इन जी पी, लेट ए वन ए टू ए एन बी इन जी पी, ठीक है तो ये बताओ ए वन कितना होगा, ए होगा, ए टू कितना होगा, ए आर होगा है ना, और ए एन कितना होगा बताओ, ए आर एन माइनस वन होगा, यही होगा ना? यस सर। यस सर। जरा आओ तो देखो प्रॉपर्टी क्या आ रही है, और यहां बताओ क्या आएगा, ए एन माइनस वन है ना, तो अब देखो तुम ये कितना होगा, ए आर एन माइनस टू, ठीक है वापस से जो एंड्स वाले प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट रहेंगे, देखो पहला टर्म इनटू लास्ट टर्म कितना आ रहा है बताओ, ए वन इंटू ए एन कितना आया बोलो, ए स्क्वायर आर वन माइनस वन, ए टू इंटू ए एन माइनस वन कितना आ रहा है बताओ, ए आर इंटू ए आर एन माइनस टू, वापस से कितना आ गया बोलो, ए स्क्वायर इंटू आर एन माइनस वन, ये चमक रहा है प्रॉपर्टी, वही सेम तो था। रुको 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 ना बेटा दो मिनट, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो जैसे हम लोगों ने एपी में किया था, तो लेट से कि सेवन मान लो सात नंबर जीपी में है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स जीपी में है, तो रिलेशनशिप क्या रहेगी बताओ, ए वन इंटू ए सिक्स इज इक्वल टू ए टू इंटू ए फाइव इज इक्वल टू ए थ्री इंटू ए फोर है ना, और अगर यही मान लो कि छह पांच ही नंबर टर्म्स है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन जीपी में है, अब क्या होगा बताओ, ए वन ए सेवन इक्वल टू ए टू इनटू ए सिक्स इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए फोर स्क्वायर, ए फोर का स्क्वायर है ना, ये समझ में आता है क्या? जो भी ने प्रूफ किया है ना इस साइड में, इसको अपना फॉर्मूला डाल के चेक कर लेना सही लिखा है कि मैंने गलत लिखा है, ठीक है? यस सर। कॉपी करो, कल के लिए जो होमवर्क है वो है 4A का 1 से 13, सर 5A ना, हाँ सॉरी बेटा 5A का 1 से 13, कल क्लास थोड़ी सी लेट रखूंगा मैं 9:30 के आसपास, अपने को दो ही चीज डिस्कस करनी रहेगी, 5A का 1 से 13 और 4B का 12 से 24, ठीक है? कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जीपी के कुछ क्वेश्चन थे, वो आप जीपी सिखाने के वक्त कराने वाले थे, बता जीपी खत्म तो होने दो। ओके सर, ठीक है। पद्मश्री एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, कुछ नहीं कराने वाले स्कूल में, वो लोग एग्जाम में आपका गूगल पे दे देंगे, नहीं बनता है एग्जाम का मुझसे पूछे ना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है आपको भेज दूंगा, मौका मिला है आराम से अच्छे से आईआईटी की तैयारी करते हैं, बाकी स्कूल को छोड़ दो फिलहाल, चिंता मत करो स्कूल की, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। नो सर। यस सर। हाँ सर हो गया सर, एक मिनट। हो गया सर, ठीक है सबको होमवर्क ले रहे, कल का होमवर्क क्या है?
एग्जांपल 5 का 1 से 30 हाँ, और पिछले वाले एग्जांपल का वापस से रीअटेम्प्ट करो 12 से 24 तक रीअटेम्प्ट करो, ठीक है, बन जाएगा। हाँ सर, चलो बाय बाय बाय।